Hello friends, welcome back to Technical Vlogger YouTube channel. I hope you are doing extremely well and I am also good. So friends, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LDC Job Profile in Ministry of External Affairs. काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे थे कि सर LDC की जॉब प्रोफाइल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कैसी होती है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए. बट मेरे कजिन के जो फ्रेंड हैं जो कि जॉब करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उनसे काफ़ी दिन से बात नहीं हो पा रही थी, उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था. फाइनली आज जाके उनसे बात हुई और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो. तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय, इस डिपार्टमेंट को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किस तरह के काम करता है. इसका जो हेडक्वार्टर है उसकी लोकेशन दिल्ली में है, सेना भवन में. और इस डिपार्टमेंट की रेफो समाज में काफ़ी अच्छी है. अगर आप इस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो सोशल स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा. तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं जॉब टाइप की, यानी कि जॉब प्रोफाइल कैसी होती है. फ्रेंड्स, जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये टोटली डेस्क वर्क होगा. यहाँ पे आपको वही 9:30 से 6 ऑफिशियल काम करना होगा. 5 डे का आपका ऑफिस होगा और जो मेनली आपका काम होगा वो फाइलिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का और डिस्पैचिंग से रिलेटेड होगा. बाकी काम का नेचर मेनली डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेक्शन अलॉट होता है और वो सेक्शन किस तरीके के काम डील करता है, उसके ऊपर आपका मेन जो काम है वो डिपेंड करता है. फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है जॉब लोकेशन. तो जैसे कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है तो आपकी प्राइम जॉब लोकेशन दिल्ली में ही रहेगी. बट ये हो सकता है कि आपको किसी स्टेट में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिस होते हैं उस स्टेट के सेंटर में, वहाँ भी आपका ट्रांसफ़र कभी हो सकता है. इसके अलावा फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में LDC की फॉरेन पोस्टिंग भी होती है और वहाँ पे जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको काफ़ी अच्छी सैलरी और बाकी सारे अलाउंस और बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं. तो सारे कैंडिडेट का एक क्वेश्चन रहता है, वो जानना चाहते हैं फॉरेन पोस्टिंग के बारे में. तो फ्रेंड्स, फॉरेन पोस्टिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. तो जब आप LDC रिक्रूट होते हैं तो उसके 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो फॉरेन पोस्टिंग के लिए. इसके बाद जब भी वैकेंसी आती है और वो सर्कुलेट होता है, आपको डिपार्टमेंट नोटिफाई करता है, उसके बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप उसमें एलिजिबल हैं, आपके APR के रिमार्क्स वगैरह सही हैं, तो आपकी वहाँ पे पोस्टिंग होती है. एक LDC अपने लाइफ स्पैन में, मतलब टोटल सर्विस में, 3 से 5 पोस्टिंग फॉरेन पोस्टिंग पा सकता है और एक पोस्टिंग का टेन्योर 3 साल का रहता है. LDC में ज़्यादातर जो पोस्टिंग होती है थोड़ी लो कैटेगरी की कंट्रीज में होती है, बट 1 या 2 पोस्टिंग के बाद आपको अच्छे कंट्री में भी पोस्टिंग मिल सकती है. तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ जॉब प्रमोशन की. तो फ्रेंड्स, जब आप इसमें SSC 10+2 से ज्वाइन करते हैं एज ए क्लर्क यानी कि LDC, तो आप ग्रेड पे 1900 पे ज्वाइन करते हैं. इसके बाद जो आपका पहला प्रमोशन होता है वो 7 से 8 साल में UDC का होता है, यानी कि ग्रेड पे 2400 पे. और उसके 5 से 8 साल के बाद में आपका जो प्रमोशन होता है ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का. उसके बाद में इसमें प्रमोशन रेयरली होता है, डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी हो रही है. बट जिससे मैंने बात की थी उन्होंने बोला था कि LDC अपने जो लाइफ स्पैन है, मतलब टोटल सर्विस में, ASO से ऊपर बहुत रेयरली पहुंचता है. अगर वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो पहुंच सकता है, जनरल कैटेगरी वाले ASO से ऊपर बहुत कम चांसेज होते हैं पहुंचने के. बट ऐसा नहीं है कि ASO से ऊपर ट्रांसफ़र, मतलब ASO से ऊपर प्रमोशन नहीं होता है. फ्रेंड्स, UDC से जो ASO का प्रमोशन होता है उसकी ग्रेड पे 4600 होती है. और 4600 ग्रेड पे के बाद में जब आपकी रनिंग सर्विस यानी कि उस ग्रेड पे में आपकी टोटल रनिंग रेगुलर यानी उस ग्रेड पे में आपकी टोटल रेगुलर सर्विस 10 साल हो जाती है, तो आपको ग्रेड पे 4800 एंड फर्दर ग्रेड पे 5400 पे भी अपग्रेड किया जाएगा. बट आपका यहाँ पे आप यहाँ पे प्रमोट नहीं होंगे, मतलब जो आपकी ग्रेड होगी, जो पे ग्रेड होगी, सिर्फ उसका स्केल अप होगा. जो आपकी जॉब होगी यानी कि जो आपका डेजिग्नेशन होगा वो आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ही रहेगा. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में UDC से ASO का एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता था, बट पिछले 5 साल से वो एबोलिश कर दिया गया. मतलब पिछले 5 साल से अभी कोई भी ऐसा एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया है. तो इस डिपार्टमेंट के मतलब तो इस डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहूँगा कि डिपार्टमेंटल एग्जाम
होती है कि नहीं होती है। पहले होती थी ज़रूर, बट 5 साल से ये एबोलिश कर दी गई है। जो मुझे बताया गया वो ये है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अभी हटा दी गई है और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अभी नहीं होती है। LDC से अगर आपको ASO तक जाना है तो आपको वही जो रेगुलर सर्विस का जो क्राइटेरिया है वो पूरा करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि CGL से भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में डायरेक्ट ASO रिक्रूट होते हैं ग्रेड पे 4600 पे, और उनकी जो फॉरेन पोस्टिंग होती है वो भी काफ़ी फ्रिक्वेंट होती है। LDC से उसे कंपेयर करें तो उसको ज़्यादा फॉरेन पोस्टिंग मिलेंगी और अच्छी कंट्री में मिलेंगी, और ASO के जो फॉरेन अलाउंसेज हैं वो भी काफ़ी बेटर होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम सबसे ज़रूरी चीज़ सैलरी की। इस डिपार्टमेंट में आप SSC 10+2 से LDC कैडर में ज्वाइन करते हैं ग्रेड पे 1900 से, तो आपकी मेट्रो सिटी में जो सैलरी बनती है आज की यानी मार्च 2020 में 32,000 के करीब, और आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 29,000 के करीब। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अलावा जब आपकी फॉरेन में पोस्टिंग होती है तो आपको फॉरेन अलाउंसेज मिलते हैं जो कि 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होती है। डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में आपको पोस्टिंग दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रमोशन को थोड़ा सा इग्नोर किया जाए तो ये डिपार्टमेंट का जो जॉब प्रोफाइल है बहुत ही अच्छा है, ग्लैमरस जॉब है, और जो डिपार्टमेंट की रेपो है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में। अगर इस डिपार्टमेंट के बारे में आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है संदीप, साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।